और ज्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। गांव के लोग हम ये तीन लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में, जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। क्योंकि कौन लोग है जेल में, कौन लोग है ना, उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रीएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है। तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है, उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल ऑफ खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा, ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए? बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं 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 हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है, और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए।